मैथ्स में मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जो उसमें हमने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 5 और उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई टू अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 2 बट लेस देन प्लस 2। एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस 2 से बड़ी लेकिन प्लस 2 से छोटी होगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमको, देखिए कैसे करना है। तो यहां पर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसमें देखो बेटा, इसमें आपको कोशियंट रूल लगाना पड़ेगा, ये अंश है और ये हर है, ठीक है। अब देखो क्या सूत्र होता है, याद है आपको, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक बटे हर का स्क्वेयर। तो पहले हर लिखेंगे, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक कॉस इनवर्स, और इसको क्या मान लो एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, मतलब एक्स स्क्वेयर अपॉन 4, ठीक है। और इसको आपने एक्स माना है तो इसका करना पड़ेगा अवकलन आपको। तो एक्स बाई टू का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2। तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर कॉस इनवर्स एक्स बाई टू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पहले अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 7। उसके बाद जब 2x प्लस 7 का करोगे तो 2 और आ जाएगा, फिर 7 का 0 हो जाएगा। तो ये हमने कोशियंट रूल लगाया अपॉन स्क्वेयर ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का स्क्वेयर अगर आप कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा इसका। अब और कैलकुलेट कर लीजिए, ये होगा अंडर रूट 2x प्लस 7, और ये माइनस आप चाहें तो बाहर लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन 2 अपॉन 2। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, उस 4 का स्क्वायर रूट होके ऊपर आ जाएगा वो, तो 2 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 से ये 2 कैंसल हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 7। यहां भी 2 से ये 2 कैंसल हो गया भाई, ठीक है। अब इसमें और कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वैसे मेरे ख्याल से यही आंसर हो सकता है आ रहा होगा, देख लो। मिसलिनियस एक्सरसाइज 5, मिसलिनियस एक्सरसाइज 5 में है क्वेश्चन नंबर 5, बाहर माइनस कॉमन ले लिया गया है, फिर अच्छा इसको दोनों के साथ कर दिया गया है, ठीक है। तो हम अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर दो आप इसे, तो ये होगा माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 2x प्लस 7। ये लिखा अपॉन में, ये लिखा और उसके साथ अपॉन में ये भी लिख दिया, इसके साथ भी इसको अलग करिए, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 और ये वाला 2x प्लस 7
क्योंकि बी अपॉन में है तो ऐसा लिख देंगे हम इसको। अब आप ध्यान से देखें बेटा, अंडर रूट 2x+7 से ये 2x+7 कैंसिल होगा, अंडर रूट आ जाएगा, और माइनस हम कॉमन भी कर लेते हैं अब साथ में, तो ऊपर रह जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस x² × अंडर रूट 2x+7, क्योंकि इससे कैंसिल होकर अंडर रूट बचेगा यहाँ, और प्लस cos inverse x/2 अपॉन, देखो इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1, गुणा होकर के ये पावर बन जाएगी 2x+7 to the power 3/2। ये हमारा आंसर बुक में भी दिखा रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स और अंडर रूट 1+sin x प्लस अंडर रूट 1 माइनस sin x अपॉन अंडर रूट 1+sin x माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin x, वेयर 0 is less than x is less than π/2। मीन्स x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, 0 और π/2 के बीच में है। इसको डेरिवेटिव निकालना है इसका भी हमको, 1 से 11 तक तो करना ही करना अवकलन है बिना बोले भी। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, इसको करना है। देखिए किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं एक काम करता हूं सबसे पहले कि आपको मैं 1+√1+sin x की वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसकी 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं cos² x/2 + sin² x/2। आप देखो cos² θ + sin² θ इज इक्वल टू 1, साइन एक्स की जगह पर 2 sin x/2 × cos x/2। ठीक है, आपको नहीं लगता ये क्या बन गया? देखो ये बन गया अंडर रूट cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। चेक करके देखो a² + b² + 2ab। इसको जब आप बाहर निकालोगे तो ये आपको मिलेगा cos x/2 + ये थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं cos x/2 + sin x/2। ठीक है, अब थोड़ा इसी में एक चीज देखो, अगर इसी में यहां माइनस होता तो यहां भी माइनस होता, तो यहां भी माइनस होता, तो यहां भी माइनस होता। इसका मतलब अंडर रूट 1+sin x की वैल्यू cos x/2 + sin x/2 और अंडर रूट 1 - sin x की वैल्यू cos x/2 - sin x/2। जहां जरूरत पड़ेगी हम वहां लिख लेंगे। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये है अंडर रूट 1+sin x। बताइए अंडर रूट 1+sin x की वैल्यू, अंडर रूट 1+sin x cos x/2 + sin x/2 माइनस अंडर रूट 1 - sin x cos x/2 - sin x/2। पर इस माइनस की वजह से वो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, देखो बेटा इसको हमने cos x/2 + sin x/2 लिखा है, हम चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखो यहां पर साइन कर दें, यहां पर कॉस कर दें, यहां पर साइन कर दें, यहां पर कॉस। अब सॉल्व करके देखिए आएगा वही फिर भी। ठीक है, जैसे a+b का होल स्क्वायर करो, चाहे b+a का होल स्क्वायर आता तो वही है ना, या a - b का होल स्क्वायर करिए, b - a का होल स्क्वायर, सेम वैल्यू आ रही थी। उस तरीके से जरूरत के मुताबिक हमने इसको चेंज कर लिया है भाई। अब ध्यान से देखिए,
अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स की जगह पर लिखेंगे साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस, अरे माइनस कहां से हमारे में आ गया था पहले, फिर उल्टा हो गया। अब तो वो पता नहीं मैंने माइनस धोखे से लिख दिया था लगता है, तो फिर तो मुझे यहां कॉस और यहां साइन ही लेना चाहिए। इन दोनों जगहों पे किसी भी जगह पर कॉस और किसी भी जगह साइन लिया जा सकता है। देखिए अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स की जगह पर मैं लिखूंगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन फिर अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अब माइनस आया और इसका कॉस एक्स बाई टू प्लस, देखो अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू है ना, पर बाहर वाले माइनस की वजह से ये कैसा हो गया, प्लस हो गया। ध्यान से देखिए माइनस कॉस एक्स बाई टू से प्लस कॉस एक्स बाई टू कैंसिल, माइनस साइन एक्स बाई टू से प्लस साइन एक्स बाई टू भी कैंसिल। इस तरह से y की वैल्यू हमको मिली cot इनवर्स cos x बाई टू cos x बाई टू, टू cos x बाई टू sin x बाई टू sin x बाई टू, टू sin x बाई टू, टू से टू कैंसिल, देन y इज इक्वल टू cot इनवर्स cos x बाई टू अपॉन sin x बाई टू, ये cot x बाई टू आ गया। अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, एक्स बाई टू बचेगा। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वन बाई टू। एक्स बाई टू का डिफरेंशियल कोफिशिएंट वन बाई टू ही तो आएगा, तो इसका पूरे का आंसर आपका आ जाएगा वन बाई टू। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स, आप नोट कर लीजिए, इसके बाद सेवन नंबर लगाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन पे जो क्वेश्चन है हमारे पास log x टू दी पावर log x, इसको हमें फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। y इज इक्वल टू log x टू दी पावर log x। अब आप देख रहे हैं फलन की घात में फलन लगा हुआ है, जाहिर सी बात है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, तो दोनों पक्षों का सबसे पहले क्या करने पर, लॉग लेने पर, तो ये बनेगा लॉग वाई इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी, तो लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स, ये पावर आगे आ गई और लॉग एक्स में लॉग आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 अपॉन y डी डी एक्स ऑफ y, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमको, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड फंक्शन, log log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो पहले इसका आएगा 1 अपॉन log x और फिर log x का करोगे 1 अपॉन x प्लस सेकेंड फंक्शन log log x, फर्स्ट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 अपॉन x। ठीक है, यहां तो बेटा देखो log x से पूरा log x कैंसिल हो गया, दोनों से आप चाहो तो x कॉमन कर सकते हो और 1 अपॉन x सॉरी, और y उधर जाएगा तो y अपॉन x और अंदर रहेगा 1 प्लस log log x। ठीक है, अब y की वैल्यू लिख दो, तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू log x टू द पावर log x, ये y की जगह पर आया
अपॉन एक्स वन प्लस लॉग लॉग एक्स, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने? सेवन नंबर। एट्थ नंबर देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर एट। वाई इज इक्वल टू कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, किन्हीं अचर ए तथा बी के लिए। ठीक है, ए और बी इसका मतलब कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको, तो बड़ा सीधा सीधा है, कर लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई, इसमें कॉस और इस पूरे को मान लो बेटा आप एक्स, तो कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन, और एक्स की जगह पर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। क्या हो गया आंसर? नहीं, अभी जिसको हमने एक्स माना वो रियल में तो केवल एक्स नहीं है, वो तो एक लंबा चौड़ा खुद एक फंक्शन है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, उसको फिर से करना पड़ेगा आपको। तो ए का करेंगे ए, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस बी और साइन एक्स का कॉस एक्स, बस यही आंसर हो जाना चाहिए। बहुत माइनस कॉमन कर लो भाई बाहर, तो प्लस बना दो इसको, माइनस यहाँ से आएगा तो ये माइनस प्लस बना लेगा, और क्या आएगा आंसर में? अब ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, और साथ में ये साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर एट। नहीं समझ आया बेटा? ठीक, क्वेश्चन नंबर एट के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन करेंगे, इन्हें आप नोट कर लें, फिर नाइन नंबर करते हैं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई फोर बट लेस देन थ्री पाई बाई फोर, इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। बताइए कैसे करेंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट? फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉगरिथम लेकर ही करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन है, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग ले लेंगे तो ये बनेगा लॉग वाई इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों पक्षों में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। वन अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, इसमें प्रोडक्ट रूल फर्स्ट सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे पहले हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड फंक्शन, लॉग एक्स मान के पहले करोगे तो वन अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कैसे? साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा तो प्लस हो जाएगा, तो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक, साइन एक्स का अवकल गुणांक होगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का होगा प्लस साइन एक्स। ठीक, पहला दूसरा कर दिया पूरा, अब यहाँ से ये कैंसल हो जाएगा पूरा, देखो y उधर चला जाएगा
तो डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई ऊपर जाएगा और वैल्यू भी लिख देंगे साथ में, तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये वाई की जगह, और यहां से हाँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं आप, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन ले लेंगे। अब इसमें क्या बचेगा, वन प्लस इसमें बचेगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे जो फंक्शन है दैट इज एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर ए प्लस ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर ए, जहां दिया गया है ए इज ग्रेटर देन 0 और एक्स इज ग्रेटर देन 0 और ए कांस्टेंट है, नियत ए दिया गया है, इसको हमें डिफरेंशिएट करके डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में तो याद करो आपका वाई वन वाई टू मानते थे, तो यहां पर माना एक्स टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू वाई वन, एक्स टू दी पावर ए इज इक्वल टू वाई टू, ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू वाई थ्री एंड ए टू दी पावर ए इज इक्वल टू वाई फोर, देयर फोर वाई विल बी इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर। अब बताइए व्हाट शुड आई डू, इसके बाद अब मुझे क्या करना चाहिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना चाहिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसको करोगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई टू प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई थ्री प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई फोर, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इन सब की वैल्यूज निकालो, इनकी जगह पर रख दो। अब वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग लेने पर तो ये आ जाएगा लॉग वाई वन इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, पावर आगे आ जाएगी लॉग एक्स आ जाएगा। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, लॉग वाई वन का क्या होगा, वन अपॉन वाई वन डी डी एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल टू, प्रथम द्वितीय इसमें लगेगा, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन, यहां भी एक्स से एक्स कैंसिल, वाई वन अगर उधर भेज देंगे आप तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू, वाई वन उधर आके ये एक्स टू दी पावर एक्स आ जाएगा और वन प्लस लॉग एक्स, ये आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई वन की वैल्यू। अब और भी निकालेंगे, अब y2 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a, इसमें तो लॉगरिथम की जरूरत नहीं है आपको, बस आप सीधे सीधे डेरिवेशन आप डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा बिकॉज ए इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो क्या फॉर्मूला बनेगा
एक्स टू द पावर ए माइनस वन, एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है ना, तो एक्स टू द पावर ए का क्या होगा, एक्स टू द पावर ए माइनस वन। अब ये भी आ गया, वाई थ्री ले लेते हैं, वाई थ्री इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डीएक्स ऑफ वाई थ्री इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स का याद है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। अब बेस ई लगाओ या ना लगाओ, नेचुरल लॉगरिथम है, नहीं लगाओ। अब वाई फोर ले लो, वाई फोर इज इक्वल टू ए टू द पावर ए, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डी डी एक्स ऑफ वाई फोर इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ए टू द पावर ए तो पूरी तरह से कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, जीरो। अब ये सारी के सारी वैल्यूज अप्लाई कर देंगे समीकरण एक में, समीकरण एक से देखो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई वन, ये लिख देंगे एक्स टू द पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई टू डी डी एक्स ऑफ वाई टू, ए एक्स टू द पावर ए माइनस वन, डी डी एक्स ऑफ वाई थ्री ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी डी एक्स ऑफ वाई फोर जीरो मत लिखो, ये आंसर आ जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का। नहीं समझ आया, ठीक है, तो इसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें डेरिवेटिव निकालना है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री टू द पावर एक्स स्क्वायर, और इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 से बड़ी है, ठीक है, तो चलिए डेरिवेटिव निकालते हैं। कैसे करेंगे बताइए आप? हाँ, क्योंकि ये दोनों फलन की घात में फलन है, और इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, और प्लस में भी है, तो हमको कुछ ना कुछ इनको मान लेना पड़ेगा। तो लिख देते हैं, माना वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री, तथा वाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री टू द पावर एक्स स्क्वेयर, देयरफॉर वाई विल बी, इसको हमने क्या माना है, वाई वन, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे वाई वन प्लस इसको माना गया है वाई टू, तो इसकी जगह लिख देंगे वाई टू। इसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करोगे इसको डेरिवेटिव निकालोगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ये होगा डी डी एक्स ऑफ वाई वन, ये होगा डी डी एक्स ऑफ वाई टू, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, फिर वापस यहाँ रखना पड़ेगा, तो ले लेते हैं। अब वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, इधर लॉग लिया जाएगा तो लॉग वाई वन इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी तो एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री इंटू लॉग एक्स, ठीक। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई वन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट
अपॉन वाई वन डी डी एक्स ऑफ वाई वन, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 3 का 0। इस तरह से वाई वन फिर उधर भेज देंगे हम, तो डी डी एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल टू, वाई वन उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 3, और अंदर में रहेगा एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x log x। ये डी डी एक्स ऑफ वाई वन आ गया, इसी तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई टू भी निकालेंगे। अब वाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 to the power एक्स स्क्वेयर, अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो हो जाएगा लॉग वाई टू इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स माइनस 3। ठीक, अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, लॉग वाई टू का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 अपॉन वाई टू डी डी एक्स ऑफ वाई टू इज इक्वल टू, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 अपॉन एक्स माइनस 3, और एक्स माइनस 3 का करोगे तो भी 1 आएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब वाई टू उधर भेजा जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ वाई टू इज इक्वल टू, वाई टू जाएगा और ये वैल्यू भी लिख देंगे एक्स माइनस 3 to the power एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x-3। ये डी डी एक्स ऑफ वाई टू की वैल्यू आ गई भाई। ठीक, अब क्योंकि डी डी एक्स ऑफ वाई वन भी मिल गया, डी डी एक्स ऑफ वाई टू भी मिल गया, समीकरण एक में रख देते हैं। इसलिए समीकरण एक से डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई वन, तो पहले ये लिख देंगे एक्स टू द पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 ये क्यूब नहीं होगा स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x log x, ये वैल्यू हो गई डी डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई टू, ये डी डी एक्स ऑफ वाई टू है एक्स माइनस 3 to the power एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x-3। बस ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई के लिए। ठीक, तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है यदि y इज इक्वल टू y एट 12 1 माइनस cos t और x दिया हुआ है 10 t माइनस sin t, और इसमें जो t के बारे में बताया गया है वो है माइनस पाई बाई टू इज लेस देन t इज लेस देन प्लस पाई बाई टू,
मतलब जो टी की वैल्यू है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करिए, डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करना है। अब याद करें बेटा, इसको देख के कुछ याद नहीं आया आपको? नहीं याद आया? प्राचल के पदों में समीकरणें दी गई हैं, है ना, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हमको यूज़ करना है यहाँ। तो पैरामीटर यहाँ पर कौन है बताइए? टी। तो टी के रिस्पेक्ट में पहले एक्स को डिफरेंशिएट करो, वाई को करो, और इसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लो। चलिए कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू 12, 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0, और कॉस टी का माइनस साइन टी, वो माइनस आकर इस माइनस को प्लस कर देगा। इस तरह से डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू क्या मिली हमको? 12। और आप चाहें तो साइन टी का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, हाफ एंगल का क्या होगा, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। इस तरह से डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू आ गई 24 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। दिस इज डी डी टी ऑफ वाई। अब इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ टी इज 1 एंड साइन टी इज कॉस टी, देन डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, 1 माइनस कॉस टी का हाफ एंगल में फॉर्मूला लगा दो, कौन सा लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर टी बाई 2, तो 1 और माइनस, तो वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वेयर टी बाई 2, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, एंड इन दिस केस आवर डी टी, डी डी टी ऑफ एक्स विल बी 20 साइन स्क्वेयर टी बाई 2। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई। अब डी डी एक्स ऑफ वाई के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, डी डी टी ऑफ वाई में से डी डी टी ऑफ एक्स, डी डी टी ऑफ वाई में से डी डी टी ऑफ एक्स का भाग कर दो। ठीक, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, व्हाट इज डी डी टी ऑफ वाई, 24 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, 24 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स, 20 साइन स्क्वेयर टी बाई 2, 4 फाइव जार 20, 4 सिक्स जार 24, साइन टी बाई 2 से एक पावर केवल चली जाएगी, तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, तो ये बच गया cos t by 2 अपॉन sin t by 2, दिस विल बी cot t by 2। ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का, डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा यदि y इज इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू पता लगाओ। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो, डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए हमको, हम इसको पहले इसे लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस, क्या आप बच्चों को याद है कि कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स के पदों में क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स,
यू नो दैट दिस इज पाई बाई टू. ओके नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई विल बिकम जीरो बिकॉज पाई बाई टू इज कॉन्स्टेंट टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशियल कोफिशियंट कितना हो जाएगा, जीरो. मिसलिनियस एक्सरसाइज फाइव का क्वेश्चन नंबर 13, जीरो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं यहीं से स्टार्ट. 14 पे है एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन बट लेस देन प्लस वन. एक्स की वैल्यू माइनस एक से बड़ी है और एक्स प्लस एक से छोटी है, तो सिद्ध करना है. सिद्ध करना है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वेयर. ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, देखो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लेते हैं और ये टर्म हम उधर भेज देते हैं पहले, तो देखिए क्या मिल जाएगा. एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स. ठीक, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं. पहले वर्ग करोगे तो ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वेयर और इसका तो केवल अंडर रूट हट पाएगा, ऐसे ही माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर और ये वन प्लस एक्स बन जाएगा. इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स. अब इसको इधर लेते आओ और इसको भी इधर लेते आइए, सब इधर लेते आओ. तो ये एक्स स्क्वायर लिखा हमने, ये इधर आएगा तो कैसा बन जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस. अब ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस, वो इधर आ जाएगा तो वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, आइडेंटिटी यूज कर लीजिए आप यहाँ पे. तो x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई, इन दोनों से आप कॉमन ले सकते हैं एक्स वाई, तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो. अब दोनों से एक्स वाई एक्स माइनस वाई कॉमन कर लो तो अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो. अब एक बार इसको जीरो ले लोगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू एक्स. अब वाई इज इक्वल टू एक्स सही है कि गलत है ये यहां रख के चेक कर लो, वाई की जगह एक्स लिख दो तो एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स कितना हो गया 2x अंडर रूट वन प्लस एक्स और बराबर के उस तरफ क्या है जीरो. संतुष्ट हुआ क्या, क्या इधर और उधर दोनों तरफ जीरो आया क्या, दोनों तरफ बराबर वैल्यू आई नहीं आई, इसलिए y इज इक्वल टू एक्स नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल है. समझ नहीं आया क्वेश्चन आपको भाई, y की वैल्यू x आई. अब आप ये भी तो कह सकते हो कि y की वैल्यू x आई है तो डायरेक्ट यहीं से अवकलन कर दो ना, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर एक आ जाएगा, जबकि वो तो हमको लाना नहीं, हमको तो ये लाना है. तो फिर तो वो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए y इज इक्वल टू एक्स आया है बट ये जो कंडीशन है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है ना, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे. तो दूसरी कंडीशन क्या है फिर, इसमें एक बार इसको जीरो के बराबर ले लो तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर जीरो. इसमें से x उधर भेजो, इन दोनों से y कॉमन कर लो
तो वन प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब आप चाहो तो अवकलन कर दो सीधे, या तो इसको उधर भेज दो पहले, माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ठीक है। और अब आप डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस। इसको कैसे करिएगा आप, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप चाहें तो अंश और हर का सूत्र भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो अपनी कोई तरकीब भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक जोड़ दो एक घटा दो। इसमें देखना बेटा, यहीं पर कर दें हम, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, ठीक है। अब इसके साथ हम इसको अलग अलग कर देंगे तो y कितना मिलेगा देखना, माइनस एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स वन, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स। इतना समझ आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो वन का जीरो प्लस वन अपॉन एक्स का करो, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और फिर वन प्लस एक्स का करने जाओगे तो वो वन ही आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही सिद्ध करना था देखो आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो फिर आज हम लोग 14 नंबर तक कर लेते हैं, आगे और भी सॉल्व करेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 23 क्वेश्चंस हैं, 14 तक हो गए हमारे, अभी भी 9 क्वेश्चंस बाकी हैं, उनको अब हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।